नमस्कार दोस्तों, इस समय हम मौजूद हैं हरदोई के सदर बाज़ार में, जहां कोरोना महामारी के बाद बाज़ारों में रौनक देखने को मिल रही है। लोग अपने घरों से भारी तादाद में निकलकर दीपावली त्यौहार के उपलक्ष्य में शॉपिंग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि किस तरह से लोग खरीदारी कर रहे हैं और अपने त्यौहार का मज़ा ले रहे हैं। इस समय हम हरदोई के सदर बाज़ार में मौजूद हैं। लोग खरीदारी कर रहे हैं और पूजा पाठ का सामान खरीद रहे हैं। देखिए किस तरह से छोटी छोटी दुकानें सजी हुई हैं दिए की और मिट्टी के सामानों की। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी उबैद खान। उबैद, ये बताइए कि पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष कैसी भीड़ देखने को मिल रही है? पिछले वर्ष की बात, इस बार कुछ भीड़ कम देखने को मिल रही है, क्योंकि कोरोना का दौर चल रहा था। कोरोना महामारी के दौर के चलते जो भीड़ भाड़ है वह आज लोगों ने काफ़ी संख्या में निकलकर खरीदारी की है और लोगों ने बता दिया कि कोरोना अब ख़त्म हो रहा है और दीपावली की बहुत शान शौकत से लोग निकल कर खरीदारी कर रहे हैं। महिलाएँ और पुरुष दोनों खरीदारी करने से कतई चूक नहीं रहे हैं जी। आप देख सकते हैं कि ये बर्तन की दुकान है, बर्तन पर देखिए कितनी भीड़ भाड़ है और बर्तन के दुकानों पर ये महिलाएं और पुरुष खरीदारी कर रहे हैं और आप रास्ते में भी भीड़ भाड़ देख सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आमिर खान जी, बताएंगे आपको आगे की हकीकत। आप देख रहे हैं कि किस तरह से भीड़ है और लोग दुकान पर अपना पूजा का सामान खरीद रहे हैं। ये मेरे पीछे बर्तनों की दुकानें हैं और चूड़े की, लैया की, मिठाई की दुकानें हैं, दिए भी हैं, लोग झाड़ू खरीद के ले जा रहे हैं। ये सब पूजा का सामान होता है, पूजा, और ये सब शुभ माना जाता है आज के दिन खरीदना। किस तरह से हरदोई में छोटी छोटी दुकानें लोग लगाते हैं धनतेरस के दिन और अपनी रोज़ी रोटी भी चलाते हैं। मेरे साथ उबैद हैं। उबैद, बताइए कि कैसी दुकानदारी चल रही है मार्केट में, क्या हाल आपने जाना है? मार्केट में काफ़ी संख्या में भीड़ भाड़ है, हालांकि हरदोई तक ही आपको ज़मीनी स्तर से रूबरू कराता है और आप देख पा रहे हैं कि कितनी बाज़ार में रौनक है और हरदोई तक आपका एक हरदोई ज़िले का एक सर्वश्रेष्ठ चैनल है जिसके माध्यम से आपको पूरी हकीकतें पता चलती हैं। आप देख पा रहे हैं कि धनतेरस के मौके पर काफ़ी संख्या में भीड़ भाड़ निकल कर खरीदारी कर रही है, लेकिन पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष कुछ कम संख्या में लोग दिख रहे हैं जी। बताइए अंकल जी, कैसी क्या खरीदारी हो रही है? बहुत सुस्त चल रही है इस समय खरीदारी। कोरोना का कुछ असर पड़ा है? कोरोना का बहुत बुरा असर पड़ा है इस पे। ये अंकल जी थे दुकानदार जो मूर्ति लगाए हुए थे, इनका कहना है कि कोरोना का असर पड़ा है, कोरोना खरीदारी पर भारी पड़ रहा है। लेकिन हम हरदोई तक के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे कि लोग काफ़ी संख्या में निकल रहे हैं और बता रहे हैं कि हम कोरोना के खौफ से नहीं डरने वाले और दिवाली हम काफ़ी शानो शौकत से मनाएंगे। कोई राहगीर से बाइक ले लेते हैं। एक राहगीर हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या है, क्या नाम है आपका सर? जी, मेरा नाम हिकमत नाम है। बताइए क्या चल रहा है, क्या आप खरीदारी कर रहे हैं? जी, इस वक्त कोरोना महामारी के चलते पिछले वर्ष से इस वर्ष बहुत ज़्यादा कम पब्लिक निकली हुई है, फिर भी बहुत ज़्यादा भीड़ है और दुकानों पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगा। आप क्या खरीदारी कर पा रहे हैं? जी, जैसा कि इन्होंने बताया कि कोरोना का दौर के चलते यहाँ पर लोग का कम संख्या में खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन हमारा मानना यही है कि आज दिन भर लोगों ने खरीदारी की है और रात होते होते लोग काफ़ी संख्या में खरीदारी कर रहे हैं और खरीदारी चल भी रही है, लेकिन कोरोना इन सब पर भारी है। हरदोई तक के लिए उबैद खान।